हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। और हम देखेंगे आज कहां पे बैंक निफ्टी में एंटर कर सकते हैं या लॉन्ग में हम एंटर कर सकते हैं या शॉर्ट में, उसका ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी और आज बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट 27,055, फर्स्ट रेजिस्टेंट 27,149 एंड सेकेंड रेजिस्टेंट 27,214 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 27,309 एंड द फर्स्ट सपोर्ट 26,990, सेकेंड सपोर्ट 26,896 एंड थर्ड सपोर्ट 26,831। तो ये आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी डेली में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस लाइन में रुका हुआ है यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लाइन पहले जो हायर पॉइंट बनाया था तो रेजिस्टेंस था, वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट में एग्जैक्टली वहाँ पे ही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा टाइम तो रुकना चाहिए यहाँ से, नहीं तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर लेना चाहिए यहाँ से बैंक निफ्टी। तो मतलब यहाँ से नीचे भी थोड़ा बहुत आ सकता है, एक डबल टॉप जैसा पैटर्न फॉर्म करके फिर से ऊपर जाने का चांसेस है। लेकिन एक बात कंफर्म करना पड़ेगा, अगर आज पहले जो कल का जो हाई है अगर उसको ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूस होने का चांसेस है। तो फिर भी यहाँ से आने का एक प्रोबेबिलिटी भी है, तो इसलिए हमें एंट्री करने से पहले हमें कम से कम 2-3 कन्फर्मेशन हमें चाहिए। बिना कन्फर्मेशन से हमें मार्केट में एंट्री करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो अगर हम 4 आवर चार्ट में देखें तो ऑलमोस्ट डेली चार्ट जैसे ही चल रहा है, तो 1 आवर चार्ट में देखें तो मार्केट कंटिन्यूस आज नीचे गैप डाउन में ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक फैक पॉइंट मिला हुआ है, फैक ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फैक ब्रेकआउट मिला। तो इसको जैसे ये रेजिस्टेंस लाइन था, रेजिस्टेंस लाइन को कल ब्रेकआउट किया था उसके बाद, लेकिन मार्केट आज नीचे ओपन हो गया। तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो नीचे आना चाहिए। तो एग्जैक्टली कहाँ पे मार्केट आ सकता है, राइट? तो यहाँ से हमें तो 100 मूविंग एवरेज नहीं तो 150 मूविंग एवरेज तक भी मार्केट रिट्रेसमेंट हो सकता है। लेकिन कितना हो सकता है ये तो हम कंफर्म अभी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ रहा है, कोई हम फिर से बाय सिग्नल मिल गया, तो यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अभी ऊपर फिर से जाने वाला है। तो इसलिए हमें थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। अगर हम जैसे हाफ एन आवर और या 30 मिनट में देखें, जैसे 30 मिनट में देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो मार्केट का पैटर्न होता है, तो पैटर्न में आप एक बात देख सकते हैं, ये हायर हाई नहीं बना पाया यहाँ पे, तो हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, बाद में हायर हाई फेल हुआ है यहाँ पे, हायर हाई फेल हुआ। तो मार्केट में हायर नीचे हायर लो बना सकते हैं। हायर लो बनाने के बाद मुझे लगता है थोड़ा ये मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, अराउंड 26,500 का आसपास, ठीक है? तो अगर हम 15 मिनट में देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट, तो जैसे 15 मिनट भी मार्केट एक रेंज पे घूम रहा है, तो एक रेंज के अंदर, क्योंकि हम सेल लेना भी थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं कर सकता है। तो अगर मुझे लगता है मार्केट अगर ये 150 मूविंग एवरेज पर भी रिट्रेसमेंट करके फिर से ऊपर जाने का चांसेस है, तो इसलिए जब तक आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ना मिले तब तक हम एंट्री नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हमें 200 मूविंग एवरेज या 100-150 मूविंग एवरेज में अगर एंट्री करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पे एंट्री कर सकता है, ठीक है? सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।